संपूर्ण चाणक्य नीति छठवां अध्याय। एक मनुष्य शास्त्रों को पढ़कर धर्म को जानता है, मूर्खता को त्याग कर ज्ञान प्राप्त करता है तथा शास्त्रों को सुनकर मोक्ष प्राप्त करता है। दो, पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, ऋषि मुनियों में क्रोध करने वाला और मनुष्यों में चुगली करने वाला चांडाल अर्थात नीच होता है। तीन, कांसे का पात्र राख द्वारा मांजने से शुद्ध होता है, तांबे का पात्र खटाई के रगड़ने से शुद्ध होता है। स्त्री रजस्वला होने से पवित्र होती है और नदी तीव्र गति से बहने से निर्मल हो जाती है। चार, प्रजा की रक्षा के लिए भ्रमण करने वाला राजा सम्मानित होता है, भ्रमण करने वाला योगी और ब्राह्मण सम्मानित होता है, किंतु इधर उधर घूमने वाली स्त्री भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाती है। पांच, जिसके पास धन है उसके अनेक मित्र होते हैं, उसी के अनेक बंधु बांधव होते हैं, वही पुरुष कहलाता है और वही पंडित कहलाता है। छह, जैसी होनहार होती है वैसी ही बुद्धि हो जाती है, उद्योग धंधा भी वैसा ही हो जाता है और सहायक भी वैसे ही मिल जाते हैं। सात, काल समय मृत्यु ही पंचभूतों पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश को पचाता है और सब प्राणियों का संहार भी काल ही करता है। संसार में प्रलय हो जाने पर वह सुप्तावस्था अर्थात स्वप्नवत रहता है। काल की सीमा को निश्चय ही कोई भी लंघ नहीं सकता। आठ, जन्म से अंधे को कुछ दिखाई नहीं देता, काम में आसक्त व्यक्ति को भला बुरा कुछ सुझाई नहीं देता, मद से मतवाला बना प्राणी कुछ सोच नहीं पाता और अपनी जरूरत को सिद्ध करने वाला दोष नहीं देखा करता। नौ, जीव स्वयं ही नाना प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करता है, उसका फल भी स्वयं ही भोगता है। वह स्वयं ही संसार की मोह माया में फंसता है और स्वयं ही इसे त्यागता है। दस, राजा अपनी प्रजा के द्वारा किए गए पाप को, पुरोहित राजा के पाप को, पति अपनी पत्नी के द्वारा किए गए पाप को और गुरु अपने शिष्य के पाप को भोगता है। ग्यारह, कर्जदार पिता शत्रु है, व्यभिचारिणी माता शत्रु है, मूर्ख लड़का शत्रु है और सुंदर स्त्री शत्रु है। बारह, लोभी को धन से, घमंडी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसके अनुसार व्यवहार से और पंडित को सच्चाई से वश में करना चाहिए। तेरह, बिना राज्य के रहना उत्तम है परंतु दुष्ट राजा के रहना अच्छा नहीं है। बिना मित्र के रहना अच्छा है किंतु दुष्ट मित्र के साथ रहना उचित नहीं है। बिना शिष्य के रहना ठीक है परंतु नीच शिष्य को ग्रहण करना ठीक नहीं है। बिना स्त्री के रहना उचित है किंतु दुष्ट और कुलटा स्त्री के साथ रहना उचित नहीं है। चौदह, दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा को सुख कहा, दुष्ट मित्र से शांति कहा, दुष्ट स्त्रियों से घर में सुख कहा, दुष्ट विद्यार्थियों को पढ़ाने से यश कहा, अर्थात ये सभी दुख देने वाले हैं, इनसे सदैव अपना बचाव करना चाहिए। पंद्रह, शेर और बगुले से एक एक, गधे से तीन, मुर्गे से चार, कौए से पांच और कुत्ते से छह गुण मनुष्य को सीखने चाहिए। सोलह, काम छोटा हो या बड़ा उसे एक बार हाथ में लेने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए, उसे पूरी लगन और सामर्थ्य के साथ करना चाहिए। जैसे सिंह पकड़े हुए शिकार को कदापि नहीं छोड़ता, सिंह का यह एक गुण अवश्य लेना चाहिए। सत्रह, सफल व्यक्ति वही है जो बगुले के समान अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखकर अपना शिकार करता है, उसी के अनुसार देश काल और अपनी सामर्थ्य को अच्छी प्रकार से समझकर सभी कार्यों को करना चाहिए। बगुले से यह एक गुण ग्रहण करना चाहिए अर्थात एकाग्रता के साथ अपना कार्य करे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी, अर्थात कार्य को करते वक्त अपना सारा ध्यान उसी कार्य की ओर लगाना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। 18, अत्यंत थक जाने पर भी बोझ को ढोना, ठंडे गर्म का विचार न करना, सदा संतोषपूर्वक विचरण करना, ये तीन बातें गधे से सीखनी चाहिए। 19, प्रमुहूर्त में जागना, रण में पीछे न हटना, बंधुओं में किसी वस्तु का बराबर भाग करना और स्वयं चढ़ाई करके किसी से अपने भक्ष्य को छीन लेना, ये चारों बातें मुर्गे से सीखनी चाहिए। मुर्गे में ये चारों गुण होते हैं, वह सुबह उठकर बांग देता है, दूसरे मुर्गे से लड़ते हुए पीछे नहीं हटता, वह अपने खाद्य को अपने चूजों के साथ बांटकर खाता है और अपनी मुर्गी को समागम में संतुष्ट रखता है। 20, मिथुन गुप्त स्थान में करना चाहिए, छिपकर चलना चाहिए, समय समय पर सभी इच्छित वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए, सभी कार्यों में सावधानी रखनी चाहिए और किसी का जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, ये पांच बातें कौवे से सीखनी चाहिए। 21, बहुत भोजन करने की शक्ति रखने पर भी थोड़े भोजन से ही संतुष्ट हो जाए, अच्छी नींद सोए परंतु जरा से खटके पर ही जाग जाए, अपने रक्षक से प्रेम करे और शूरता दिखाए, इन छह गुणों को कुत्ते से सीखना चाहिए। 22, जो मनुष्य उपरोक्त 20 गुणों को अपने जीवन में उतारकर आचरण करेगा वह सदैव सभी कार्यों में विजय प्राप्त करेगा। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो जरूर बताएं और आगे भी ऐसी वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।